नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। काले धन पर नकेल के लिए सरकार का नया फरमान। आयकर विभाग ने बैंकों से किसी खाते में एक साल में 10 लाख रुपए से अधिक की जमा तथा क्रेडिट कार्ड के बिलों के लिए 1 लाख रुपए या अधिक के नकद भुगतान की जानकारी उसे उपलब्ध कराने को कहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की 17 जनवरी की अधिसूचना में कर अधिकारियों को सूचित किए जाने वाले नकद लेन देन को अधिसूचित किया गया है। इसके लिए ई प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया है। इसके अलावा सीबीडीटी ने अपने नवंबर 2016 के निर्देश को दोहराया है, जिसमें बैंकों से 9 नवंबर से 30 दिसंबर 2017 के दौरान एक व्यक्ति के एक या अधिक खातों में 2.5 लाख रुपए या अधिक की जमा की सूचना देने को कहा था। 500 और 1000 रुपए का नोट बंद करने के बाद सरकार ने पुराने नोटों को जमा कराने के लिए 50 दिन का समय दिया था। उस समय आयकर विभाग ने 9 नवंबर से 30 दिसंबर के दौरान एक व्यक्ति के एक या अधिक चालू खातों में 12.5 लाख रुपए या अधिक की जमा या अन्य खातों में 2.5 लाख रुपए या अधिक की जमा की जानकारी देने को कहा था। अधिसूचना में कहा गया है कि एक वित्त वर्ष में किसी व्यक्ति से 10 लाख रुपए से अधिक की शेयर पुनर्खरीद की सूचना सूचीबद्ध कंपनी को देनी होगी। इसके अलावा 10 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा, ट्रेवलर्स चेक या फॉरेक्स कार्ड सहित की जानकारी भी कर अधिकारियों को देनी होगी। संपत्ति पंजीयक को किसी व्यक्ति द्वारा 30 लाख रुपए से अधिक की अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त की जानकारी कर अधिकारियों को देनी होगी। नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट में काफी इजाफा हुआ था, लेकिन अब इसकी रफ्तार घटने लगी है। कैश में लेन देन दोबारा बढ़ने से एक बार फिर ब्लैक मनी का खेल शुरू होने का खतरा बढ़ गया है। इससे बचने के लिए सरकार अब पैन कार्ड का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर देगी। सूत्रों के अनुसार 30,000 से ज्यादा की खरीदी पर पैन कार्ड अनिवार्य किया जा सकता है। फिलहाल यह सीमा 50,000 रुपए की है। सरकार कैश पेमेंट पर कैश हैंडलिंग चार्ज भी बढ़ा सकती है। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जलीकट्टू पर अध्यादेश लाएगी तमिलनाडु सरकार। रामदेव बोले, पतंजलि ने उड़ाई बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नींद। शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में फिर आलापा कश्मीर राग, नहीं मिला जवाब। धन शोधन मामले में सूरत के व्यापारी किशोर भजियावाला गिरफ्तार। रति अग्निहोत्री के खिलाफ बिजली चोरी का मामला।